नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पिछले कई दिनों से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर खबरें चर्चा में बनी हुई है, जिसकी शुरुआत हुई बजाज ऑटो के चेयरमैन राहुल बजाज से, जिन्होंने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार पर हमला बोला था और कहा था, आज केंद्र सरकार में कोई अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं। राहुल बजाज ने कहा था कि भले ही कोई दूसरा उद्योगपति ये खुलकर कहने से बचे, लेकिन वो अपनी बात जरूर कहेंगे। जिसके बाद बायोकॉन के एमडी किरण मजूमदार ने भी उनकी बात का समर्थन किया था। लेकिन अब उद्योग जगत में मोदी सरकार के खिलाफ असंतोष साफ दिखाई देने लगा है। राहुल बजाज और किरण मजूमदार के बाद अब एक और उद्योगपति ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ी बात कही है। ये उद्योगपति है आरपीजी समूह के मालिक हर्ष गोयनका, जो देश के जाने माने उद्योगपतियों में से एक। हर्ष गोयनका ने ट्वीट कर इशारों में केंद्र को आड़े हाथों लिया। हर्ष गोयनका ने एक कविता के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, हालात देखते हुए कुछ पंक्तियां याद आती हैं। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। हर्ष गोयनका का ये ट्वीट देश के मौजूदा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। दरअसल कुछ दिनों पहले राहुल बजाज ने जब अपनी बात कही थी, तो उनके सामने गृह मंत्री अमित शाह, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था, लोग सरकार की आलोचना करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी आलोचना को कैसे लिया जाएगा। यहाँ उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बातों का जवाब दिया था। अमित शाह ने कहा, आप ये कह रहे हैं, इसी से साबित हो जाता है कि कोई डर नहीं है। अगर वाकई ऐसा है तो सरकार इस पर ध्यान देगी। वहीं राहुल बजाज के बाद किरण मजूमदार ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उम्मीद है कि सरकार खपत और ग्रोथ को पटरी पर लाने के लिए भारतीय उद्योग जगत से संपर्क साधेगी। अभी तक हम सभी से दूरी बनाकर रखा जा रहा है और सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर कोई आलोचना सुनना नहीं चाहती है। बहरहाल गोयनका ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो भी अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी राय रखना चाहते थे। आपको बता दें कि सरकार खुद ये मानती है कि इस वक्त अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। सरकार का कहना है कि कुछ वक्त बाद सब ठीक हो जाएगा।